बाल संप्रेषण गृह से 4 अपचारी बालक हुए फरार, एक आया पकड़ में, 3 अभी भी अदृश्य, गर्मी से पुलिस कर रही है तलाश। कोरबा के बाल संप्रेषण गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए, यह खबर मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। निजी भवन में संचालित संप्रेषण गृह से फरार 4 में से एक बालक को बालकों से गिरफ्तार कर लिया गया, वही 3 बालक अभी भी पकड़ से बाहर है। बताया जाता है कि एक नगर सैनिक जगदीश राजपूत संप्रेषण गृह में ड्यूटी थी, वह मेन गेट खोलकर बैठा था, मौका देखकर चारों अपचारी बालक वहां से भाग निकले। फरार होने वाले अपचारी बालकों में से 2 बालक जांजगीर के तो 2 कोरबा जिले के हैं। फरार 3 अपचारी पकड़ने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। बाल संरक्षण दिवस अपचारी बालकों की भागने की कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटना सामने आ चुकी है, बार बार लापरवाही होते आ रही है। इस घटना के बाद बाल संप्रेक्षण गृह में हड़कंप मच गया है। महिला बाल विकास के अधिकारी भी बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। 2 अपचारी बालक जांजगीर चापा के हैं, वही जो कोरबा के। सिविल लाइन थाना प्रभारी नितिन उपाध्याय ने बताया कि महिला बाल विकास के द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई है, जहां बाल संप्रेक्षण गृह से 4 अपचारी बालक फरार हो गए थे, जिसमें से एक बालक को बालको क्षेत्र से बरामद किया गया है, शेष 3 बालकों की तलाश की जा रही है, वहीं उनके परिजनों से भी संपर्क साधा गया है। क्या मामला है? बाल संप्रेषण गृह से कुछ 4 बालकों के जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। संबंध में एक बालक का वापस मिल भी गया है, उसे इसकी तलाश की जा रही है। एक इस मामले में थे और कहां गए जो बालक थे? बालक अलग अलग थाना क्षेत्रों से थे और यहां पे न्यायालयीन आदेश पर सुरक्षित रखवाए गए थे। सर जी बताइए, सूचना भी किसके द्वारा दी गई है? सूचना बाल संप्रेषण गृह के अधिकारी द्वारा दी गई है।